पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल कर्नाटक की रोना और हुबली विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार किया था। आज भी उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य की अथानी विधानसभा सीट पर रोड शो किया और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगे। वहीं राज्य में आपके विपक्षी दलों बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मान ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये चुनाव किसी सरकार बनाने के लिए नहीं है, ये चुनाव आपको सरकार बनाने के लिए का मौका नहीं देगा। इससे पहले बहुत सी सरकारें बनाई आपने, पांच साल उनकी, लेकिन ये चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ रही है। तो जहां आम आदमी पार्टी जो है वो इलेक्शन लड़ती है, वहां चुनाव नहीं, वहां किस्मत चमकाने वाला बटन भी ईवीएम मशीन में आता है, झाड़ू का बटन है। झाड़ू का बटन दबाकर जैसे ही झाड़ू का बटन दबाएंगे तो दिल्ली और पंजाब को याद रखना, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने सरकारी स्कूल इतने अच्छे कर दिए कि प्राइवेट स्कूल से निकालकर माता पिता जो है अपने बच्चों को सरकारी में दाखिला दिलवा रहे हैं, इतने अच्छे बना दिए सरकारी स्कूल। इतना ही नहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने विरोधी दलों पर हमला करते हुए कहा, मोदी जी की पार्टी है बीजेपी, उन्होंने 15-15 लाख खाते में आने के नाम पर वोट ले लिया लेकिन किसी के खाते में पैसे नहीं आए। वहीं कांग्रेस को उन्होंने कहा कि वो तो बिकाऊ पार्टी है। आगे उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी सर्वे में नहीं सरकार में आती है। मोदी जी की पार्टी है बीजेपी, उन्होंने कहा था कि हमें वोट दे दो, हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएगा। आ गया? अरे संपत भाई, आप तो कह रहे थे आ गया, हमारे भी नहीं आया पंजाब में, वो नहीं आएगा। 15 लाख की बात छोड़ो, जो घर में 2-4 हजार रुपए पड़े थे इमरजेंसी के लिए नोटबंदी करके, वो भी निकलवा के ले गए भाई साहब। ये जुमला पार्टी है और कांग्रेस बिकाऊ पार्टी है, वो तो सेल पे है, कांग्रेस तो सेल पे है। कांग्रेस को वोट दोगे, उनका एमएलए बनने के बाद बीजेपी के पास जाएगा, बताइए कितना रेट है मेरा रेट कितना लगाए हो, मैं अपने आप को बीजेपी में शामिल कर लूंगा। क्या फायदा हुआ ऐसी वोट देने का? फिर तो कांग्रेस को वोट देने का मतलब वोट को खराब करना, बीजेपी को वोट देने का मतलब झूठ को, झुमले को वोट देना। एक पार्टी आम आदमी पार्टी, चुनाव चिन्ह भी बहुत अच्छा है, ये महिलाएं आई हैं, भाई बहने सुबह उठकर सबसे पहले क्या उठाती हैं? झाड़ू, सफाई करने के लिए। इस झाड़ू से हम इससे पहले सिर्फ मकान या दुकान साफ करते थे, अब इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल जी की गवाही में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। हरियाणा के चरखी दादरी के गांव चंदेनी के रहने वाले प्रतिभावान छात्र अनुराग सांगवान ने एनडीए में ऑल इंडिया टॉप किया है। देश भर में चयनित 538 युवाओं में से अनुराग को पहला स्थान हासिल हुआ है। खास बात यह रही, अनुराग ने पहले ही प्रयास में परीक्षा पास की है। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद अनुराग से फोन पर बात की और अनुराग और उनके पिता को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। पाकिस्तान में गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब में खालसा सजना दिवस पर आयोजित धार्मिक सभा में भाग लेने के लिए सिख श्रद्धालु गए थे, जिसके बाद सिख श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान से लौट आया है। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधन और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने प्रायोजित किया था। श्रद्धालुओं का जत्था 9 अप्रैल को पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ था, जो अटारी वाघा सीमा के रास्ते भारत वापस लौटा है। आपको बता दें, इस उत्सव के लिए कुल 2500 सिख तीर्थयात्री पाकिस्तान गए थे। हिमाचल प्रदेश के सोलन की बेटी एवरेस्ट विजेता पर्वतारोही बलजीत कौर के साथ नेपाल की अन्नपूर्णा चोटी से उतरते हुए हादसा हो गया। इसके बाद वो लापता हो गई थी, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने उन्हें जीवित खोज निकाला और एयरलिफ्ट किया गया। बलजीत का काठमांडू अस्पताल में उपचार चल रहा है। बलजीत कौर के अभियान टीम की ओर से जानकारी दी गई, उनका सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर दिया गया है।
मुझे सुबह से ही लोगों के फोन आ रहे थे, मुझे अभी कुछ पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन लोगों ने मुझे, जैसे कि ये मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत करीबी है मेरे, तो मुझे इनसे डायरेक्ट बात ना करके मेरे साथ लोगों ने बात की कि ऐसा ऐसा सुन रहे हैं हम, तो मैंने भी FB पे जाके देखा कि हाँ उसमें तो कुछ ऐसी न्यूज आ रही है कि बलजीत को ऐसे ऐसे मतलब गलत खबर आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इनके पास जाती हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे जब मैं पहुंची तो ये अपने में मगन थे, इन्होंने किशोरी जी का जो है भागवत लगाया हुआ था भजन आपसे मिलने के लिए, आप क्या कर रहे हैं? बोलो मैं तो कुछ नहीं, मैं घास लेके आई हूँ और मैं बैठी हूँ। लेकिन मेरी ये हिम्मत नहीं हो रही थी, मैं बात करूँ तो कैसे करूँ इसे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के अंजुले गांव में पूर्व सैनिक गुलाम हसन अपनी राइफल से फायरिंग कर अपनी पत्नी और बेटी को घायल कर दिया और खुद को गोली मार ली। फिलहाल तीनों को जिला अस्पताल किश्तवाड़ रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच कर रही है। अठारह व्याधियों के भंडारी और कार मरोड़ी के ज्ञाता देव बालक महेश्वर बैसाखी के पावन अवसर पर बजौरा से लाव लश्कर के साथ पार्वती और ब्यास नदी के ऐतिहासिक संगम जिया पहुंचे। संगम स्थल पर पहुंचते ही देव बालक महेश्वर ने श्रद्धालुओं के साथ शाही स्नान किया। देवता को शुभ बेला में देव विधि के साथ कारदार हेतराम, गुरनाम सिंह आदि ने देव बालक को शाही स्नान करवाया। इस दौरान ढोल नगाड़ों, करनाल नरसिंहों की स्वर लहरियों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। इस भव्य नजारे को देखने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा प्रत्याशी सुरेश राठौड़ के लिए चुनाव के प्रचार करने कर्नाटक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जमकर पारंपरिक ढोल बजाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें 10 मई को कर्नाटक में चुनाव होने हैं और 13 मई को नतीजे आएंगे। शिमला और कुल्लू में लगातार पानी बरस रहा है, वहीं रोहतांग में भारी बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि हुई है। इस बर्फबारी से तापमान में गिरावट आ गई है। रोहतांग में शुरू हुई बारिश तेज ओलावृष्टि में तब्दील हो गई। वहीं लाहौल और स्पीति, बिलासपुर, चंबा और कांगड़ा सहित राज्य के अन्य हिस्सों में ओलावृष्टि हुई है।